तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया छह दिन में सृष्टि रचकर सातवें दिन विश्राम किया पुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है वो परमात्मा कबीर है जिसने छह दिन में सृष्टि रची तथा सातवें दिन पर जा उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन तो पुण्यात्मा परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपना ये तत्व ज्ञान जो पांचवा वेद ये सुनाते हैं अब जब परमात्मा ने उस पांचवें वेद में आकर बताया है अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो उनके बहुत कृपा पात्र होते हैं वैसे तो उनके सभी ही प्रिय हैं चीटी से लेकर हाथी तक रंग से लेकर राजा तक हम एक ही परम पिता के बच्चे हैं चाहे किसी मजहब धर्म से हम संबंधित रखते हों लेकिन हमारा मूल पिता एक ही है वो कबीर देव है वो परम अक्षर ब्रह्म है वो हमारा जनक है या तो हम काल के अधीन होकर के इसके संकेत से अब हम नाच रहे हैं उस परमेश्वर के सभी वैसे तो बच्चे हैं लेकिन पिता अपने उस बच्चे को ही घर का कारोबार संभलवाता है जो संभालने योग्य होता है उसी को अपनी तजूरी यानी सेफ की चाबी देता है जो उस धन को संभाल सके नादान बच्चे को दे दे तो वो आप भी खराब करे और खिलावे तुरंत ही निर्धन हो जाए तो इस प्रकार परमात्मा के विधान में लिखा है वेदों में कि वो परमेश्वर ऊपर रहता सचखंड में जिसको ध्यू लोक कहा है वेदों में और वहां मनुष्य दृश्य है वो लेकिन उसका शरीर बहुत तेजों में है वहां से जब नीचे आता है तो अपने रूप को सरल कर लेता है हल्का तेज पुंज का बना लेता है और वहाँ सह शरीर आता है और नीचे अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है ये पांचवा वेद वाला ज्ञान उनको सुनाता है उनमें से कौन कौन है जो दास को अब कलियों के अंदर पता है कि किन किन को परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले आदरणीय धर्मदास साहेब जी बागढ़ वाले आदरणीय मलुकदास साहेब जी आदनीय दादू साहेब जी आदनीय नानक साहब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं आदनीय गरीबदास साहेब जी गांव छुडानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदनीय गीसादास साहेब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला मेरठ इन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले ऋग्वेद मंडल नंबर नौ शुक्त छियासी के मंत्र छब्बीस और 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सुक्त बयासी 82 के मंत्र एक दो तीन में और भी बहुत से मंत्र हैं ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सुक्त 96 सिक्स के सोलह से बीस में ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सुक्त 94 फोर यानी चौरानवे के मंत्र एक में ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सुक्त बीस मंत्र 1 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त एक मंत्र आठ और नौ में और भी अनेकों स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते अपनी अच्छी आत्माओं को श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं और ऐसे उनको प्राप्त होते हैं जैसे आकाशीय बिजली आकाशीय विद्युत अपने स्ने वाले धातु को ही आधार बनाकर उसके ऊपर गिरती है जैसे पुराने समय में हमारे सामने एक काशी धातु होती थी काशी उसके थाली बेले होते थे वर्षा के दिनों में यदि वो बाहर रह जाते थे हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि इन काशी के बर्तनों को अंदर रखो इन पर बिजली गिरती है अमूमन तो कहने का भाव यह है कि ऐसे वो परमात्मा उन विशेष पुण्य आत्माओं पर अट्रैक्ट होता है किस लिए कि वो मेरा काम कर सकते हैं बाकी तो बालक है वो इस धन को खराब कर सकते हैं इसलिए उन पुण्यात्माओं को इस कलयुग में आकर मिले वैसे तो वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को बहुतों को मिले हैं लेकिन उनको वो धन दिया नहीं मिले अवश्य है कि उनकी दृढ़ता ना पाने से उनको वो धन दिया नहीं जो इन पुण्य आत्माओं को दिया अब प्रसंग है कि हम इस बहुत ही गंदे लोक में रह रहे हैं और यहां का स्वामी है ये काल भगवान ज्योति स्वरूपी निरंजन जिसको सरपुरुष कहते हैं और इसके तीन पुत्र हैं रजगुण ब्रमा जी सतगुण विष्णु जी तम गुण शिव जी और दुर्गा इनकी पत्नी है ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है एक लाख मानव श्रीधारी प्राणियों का नित आहार करने का पुण्यात्मा हम चतुर्गणे हो गए एक थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करके छोटी मोटी कोई पोस्ट हमें प्राप्त हो जाती है और समय पर दो रोटी ठीक प्राप्त हो रही है तो हमने भगवान के मार्ग का ज्ञान नहीं रहा और ना इतनी आवश्यकता सुनते और हमने अभी तक जो सुना है वो अज्ञान पर रखा है और ये तत्व ज्ञान जो प्रारंभ होता ही है ये मन ना जाने कितने जो है ऑब्जेक्शन पैदा कर देता है लेकिन परमात्मा के ज्ञान में इतना वजन है कि इन सब शंकाओं का वो समाधान कर देता है लेकिन उसके लिए आप ने सत्संग सुनना पड़ेगा चाहे ना चाहते हुए भी सुनना पड़ेगा चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो ये सुनना पड़ेगा और फिर देखना आपको कितना अच्छा लगेगा फिर ये इसका कारण क्या है पहले उस प्रसंग को सुनाते हैं जो दास सुनाना चाहता है कि हमारे साथ यहाँ सारा कार्य मजबूरी से कराया जा रहा है शरीर ऐसा दे दिया हम कर्म करे बिना इसका इसको सुरक्षित रख नहीं सकते फिर हमने ऐसी परंपराएं बना ली कि हम सारा दिन उन्हीं की पूर्ति में सारा जीवन नष्ट कर देते बढ़िया मकान हो पुत्री का विवाह करना पड़ेगा बहुत घना पैसा लगाना पड़ेगा ये हमारी भूल और अज्ञानता का कारण है पुत्र के विवाह में हम दहेज लेते हैं पुत्री के विवाह में हम देते हैं तो ये ये क्या वस्तु है अज्ञानता का कारण है हम किसी का धन लेते हैं हम उसके ऋणी हो गए और हम देते हैं तो भगवान के दोषी हो गए तो इसलिए हमने ना तो दहेज अब लेना है और ना ही देना है ये कोई प्रतिबंध नहीं होता इस तत्व ज्ञान से आप परिचित होकर इससे अपने आप हटोगे परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा तुमने उस परमात्मा के स्थान का उस जहां पर यह हिसाब किताब होता है उस दरगाह का वो स्थान वो न्यायालय नहीं देखा यहाँ का और धर्म राज के तिल तिल का लेखा तो पुणात्मा जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे आपको दूसरे का पैसा विष दिखाई देगा विष। लेकिन अनजान बालक तो विष को भी खा जाते हैं भले ही मर जाए क्योंकि उनको पता ही नहीं है कितना खतरनाक है कितना डेंजरस है तो ज्ञान से ही पता होता है अब इस ज्ञान से आपको ये दास परिपूर्ण करना चाहता है ताकि आपकी आस्था इस गंदे लोग हटे और उस सच्चे लोग की तरफ जुड़े आपकी कसक बन जावे कि हम सचमुच यहाँ कष्ट उठा रहे हैं अभी तक विकल्प नहीं पता था जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले उन्होंने बहुत प्रचार किया जनता को समझाने की चेष्टा की जैसे धर्मदास जी ने पहले तो स्वयं ही नहीं माना था जब परमात्मा का ज्ञान हुआ समर्पित हो गए फिर अन्य हिंदू समाज में किसी ने स्वीकार नहीं करी उनकी बात और पहले वो बहुत अच्छे प्रभाव रखते थे धनी व्यक्ति थे बहुत से लोग उससे प्रभावित थे और जब मालिक के समर्पण हुए इस तत्व ज्ञान को की चर्चा करने लगे तो सब उल्टे हट गए ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले सचखंड लेकर गए फिर वापस छोड़ा उन्होंने परमात्मा की महिमा का गुणगान शुरू किया तो उनको बावला कहने लगे मेंटल क्यों तो मेंटल हो गया तो पुण्यात्मा ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले सचखंड लेकर गए तीन दिन तक ऊपर के सब सारी व्यवस्था से परिचित करवाए अपनी स्थिति से परिचित करवाए और वापस छोड़ दिए उन्होंने बारह वर्ष तक दूर दूर देश तक बड़े बड़े सिद्धों और महात्माओं के साथ गोष्ठी की तत्वज्ञान के बारे में जानकारी देने की चेष्टा की लेकिन उनके गले हुआ बात उतरी नहीं कारण क्या रहा कि हम अशिक्षित थे और हमने उन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों को पूर्ण मान रखा था इसलिए हमारे हृदय में उन महापुरुषों की बातें नहीं समाई जो हमारी सिंपल लैंग्वेज में हमें ये अनमोल ज्ञान देना चाहते थे परमात्मा ने कृपा बख्शी अपनी लीला अनुसार अपनी महिमा अनुसार वो सन तेरा सो अठानवे में सचखंड से चलकर आए गति करके एक शिशु रूप धारण किया लहर तारा नामक तालाब बनारस यानी काशी शहर के बाहर था मूल शहर से लगभग तीन चार किलोमीटर की दूरी पर एक बनी में बाहर जंगल में वो वन में सरोवर था गंगा का पानी गंगा का जल लहरों के द्वारा उछलकर वर्षा के दिनों में जब फुल स्विम पर चलती थी गंगा तो ऊपर से लहरों के द्वारा उछलकर घाट में से एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था वहाँ कमल के फूल खिले हुए थे कमल के फूल पर आकर वो परमात्मा एक बालक रूप धारण करके विराजमान हुए वहां से एक नीरू नामक जुलाहा उठा कर ले गया वो अपनी पत्नी सहित स्नान करने के लिए वहां जाया करता था तो समय परमात्मा लीला थोड़ी ही आयु में पांच वर्ष की आयु में ही ये तत्व ज्ञान प्रचार करने लगे थे और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे लेकिन पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन इन मुस् इन ब्राह्मणों ने परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार तो करना दूर रहा उनका दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि ये झूठा है कपटी है हमारे हिंदू धर्म के देवताओं के विषय में ये गलत टिप्पणियां करता है ये निकम्मा है इसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए परमात्मा के विरोधी बना दिया अपनात्मा उस समय परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया आदनीय धर्मदास साहिब जी को वो मिले उनको अपना ज्ञान समझाया और उन्होंने फिर परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया जो पवित्र कबीर सागर और पवित्र कबीर साहब की वाणिया कबीर साहब के शब्द और कबीर बीजक नाम से ये ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है प्रसंग है कि हम यहाँ ऐसे लोग में रह रहे हैं जो रहने योग्य नहीं है और हम रह क्यों रहे हैं क्योंकि हमारा नशा गणा कर दिया इसने और अज्ञान इतना बढ़ दिया हमारी बुद्धि को इतना सीमित कर दिया कि यही आपका काम है संतानो उत्पत्ति परवरिश इनका विवाह फिर मृत्यु फाइनल काम तेरा अब परमात्मा ने आके बताया तेरा काम तो तूने स्टार्ट भी ना किया जो करना चाहिए था आपको उसकी तो शुरुआत भी नहीं हुई और यदि किसी ने शुरुआत भी की है तो शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है वह व्यर्थ है पुणात्मा इस मनुष्य जीवन का एक काम है ओनली एक इसका जो असली काम है केवल एक है परमात्मा की भक्ति करें और शुभ कर्म करें जितने बन जा शुभ कर्म हमारे अंतकरण की सफाई के लिए होते हैं और पापों से बचाने के लिए होते हैं इस सारे प्रोसेस को अपना कर हम सतलोक जाएंगे कौन कौन से हैं सत्संग श्रवण करना परम संत की खोज करके उस परम संत से उपदेश ग्रहण करना नकली गुरुओं से कोई लाभ नहीं होगा पांचों यज्ञ ये पांचों यज्ञ जो है ये शुभ कर्मों में आते हैं और उस सतनाम का स्मरण और सार नाम की प्राप्ति ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है आत्माओं सतनाम का सुमरण और सार नाम की प्राप्ति सार नाम की प्राप्ति के योग्य आपने बनना पड़ेगा सतनाम जिसको मिलता है वो बहुत ही पुनकर्मी प्राणी है क्योंकि इस सतनाम की अभी तक किसी को हवा भी नहीं लगी थी उन महापुरुषों ने इसको इतना सुरक्षित रखा था किन किन ने जिनको भगवान मिले जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले और इस धन को उनको देकर गए थे और कहा था अभी इसको डिस्क्लोज ना करना ना तो बात बिगड़ जाएगी अभी इसको डिस्क्लोज ना करना अपने तुम स्मरण करना और अपनी अमृतवाणी में इसका प्रमाण छोड़ जाना आने वाले समय में ये हमारे काम आवेगा तो उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले उन उन्होंने अपनी अमृतवाणी के अंदर ये एफिडेविट दे दिया कि कबीर इज गॉड कबीर परमात्मा है वो काशी वाला धानक वो परमात्मा है जैसे आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने कहा हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात जुलाहा बेद न पाया ये सीमा है कबीर हुआ आदने गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सभी को पार किया किस किस को हम सुल्तानी नानक तारे अब्राहिम सुल्तान अधम बलक शहर के राजा और नानक साहेब जी और दादू साहेब जी हम गरीबदास जी कह रहे हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद ना पाया वो काशी माहे कबीर हुआ गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मैला पहला की वाणी आदनीय नानक साहिब जी की है उन्होंने 24 नंबर पृष्ठ पर उनकी वाणी पहला मैला की अंकित है उसमें लिख कहा है कि फाई सूरत मलुकी ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुताबारिय धानक रूप रहा करता जब परमात्मा आदरणीय नानक साहब जी को बेई नदी के ऊपर एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे उनको एड्रेस कर दिया था अंतर ध्यान कर दिया था बेई नदी के ऊपर स्नान करने के लिए प्रवेश कर रहे थे नानक जी साथ में परमेश्वर भी उसके साथ एक जिंदा महात्मा साधु के रूप में प्रवेश कर रहे थे कुछ ही देर में क्या देखा कि वो छलांग लगा के जैसे दोनों ही और फिर दोबारा बाहर नहीं आए तो नानक साहब जी को मृत जान लिया गया बड़ी खोज की गई जाल डाल डाल कर दरिया को खोजा गया लेकिन वो तो बहुत दूर जा चुके थे उनके शरीर को सतुल शरीर को परमात्मा ने कहीं छुपा दिया आत्मा को लेकर सचखंड गए वहां जाकर देखा कि ये पूर्ण परमात्मा अकाल मूर्त ये एक तेजो जैसे सतलोक है ये स्वयं भी प्रकाशित है पूरा तेजो में है और उस परमात्मा का शरीर भी तेजो में है एक रोम सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा इतनी रोशनी है उस परमात्मा की एक रूप में परमात्मा अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दूसरे रूप में नीचे से जिंदा बाबा के रूप में ऊपर जा रहे थे नानक साहेब जी को साथ लेकर तब नानक साहेब जी ने देखा था कि ये है भगवान ये है रब जेड़ा तकत पे बैठा है और ये नीचे से बाबा जिंदा जो आया है कबीर जिंदा ये कोई यहाँ का नौकर ना करोगा क्योंकि कबीर साहब जिंदा वाले महात्मा वाले रूप से अपने ही दूसरे रूप पर चमर कर रहे थे जैसे सेवक किया करते हैं कुछ देर में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर सिंहासन पर बैठे थे मालिक वो खड़े हुए और नीचे से बाबा जिंदा के रूप में जो परमात्मा गए थे वो सिंहासन पर विराजमान हुए और वो जिसका तेजोमय शरीर है वो परमात्मा का स्वरूप अपने दूसरे रूप पर जिंदा वाले रूप पर चंवर कर रहा है। नौकर सेवक की तरह तब नानक साहब सोच ही रहे थे ये क्या एक महात्मा के ऊपर और परमात्मा चवर कर रही है इतना सोचा ही था वो तो तेजोमय शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गया चवर अपने आप ऊपर घूम रहा है तब कबीर साहब ने उस परमात्मा ने कहा था प्यारी आत्मा तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं तुम बहुत दुख पा रहे हो उस गंदे लोक में जाके नानक साहब की दृष्टि नीचे को कराई के देख जहां तुम रह रहे हो ये सतलोक में जाने के बाद ये ऐसा लोक दिखाई देता जैसे कीड़े मकोड़े घूमते हो यहाँ पर उस सतलोक के हंस आत्माओं की बॉडी को की तुलना में हमारा ये नरक जैसा शरीर दिखाई देता है उनकी दिव्य दृष्टि बन जाती है और उनके उनको हमारे शरीर के अंदर चल रहे ये जीवाणु भी नजर आते हैं कीड़े हमारे पूरे ब्लड में कीड़े हैं पूरे शरीर में कीड़े हैं अंदर थूक भरा है गंद भरा है पेशाब भरा है और इसमें हम बैठे हैं इस महल इस इस महल में बैठे हैं तब नानक साहब ने कहा था भगवान सचमुच वो तो बहुत गलत स्थान है और कहा था कि अब मुझे वहां न भेजो भगवान मैं तो छिक चुका उस लोग से तो परमात्मा ने कहा था नहीं आपको जाना पड़ेगा और जब तुम यहां से गए थे सारे बहुत भक्ति युक्त थे अब वहां तुम भगतीहीन हो गये क्योंकि आप वहां पर किराए पर रह रहे हो ये एक आपका जो है ना यहाँ रेंट है आपसे यहाँ मजदूरी कराता है उस परमपिता की भक्ति करवाता है जैसे भी साधना अध्यात्म मार्ग में कुछ पुण्य परमात्मा के विधान द्वारा बताए जाने से मिलते हैं जैसे वेदों की वाणी पढ़ने से ज्ञान यज्ञ हो जाता है धर्म यज्ञ इसके साथ भंडारा कर ले उससे हो जाता है तो इस तरह की क्रियाएं संत बताते हैं भगत करते रहते हैं लेकिन उसको ये यही समाप्त करवा देता है स्वर्ग में भेज दिया की तरजा बना दिया उसके ऊपर टैक्स लगा रखा इतनी कमाई मुझे मिलेगी जो यहाँ का भगवान है तो परमात्मा ने कहा था आपको जाना पड़ेगा और वहां सब पुण्यात्माओं को बताओ आपके भाई बहनों को कि जिनको तुम पूज रहे हो वो परमात्मा नहीं है वो मोक्षदायक नहीं है जहां तुम रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा प्यारी आत्मा चिंता मत करना वहाँ अकेला व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता जब तक मेरा सहयोग नहीं होगा क्योंकि वहाँ काल का भयंकर प्रेशर है फिर भी प्रार्थना की भगवान जो आपका आदेश होगा वही दास को मान्य होगा लेकिन उस लोक में जाने की रुचि कति नहीं तब तो परमात्मा ने कहा था कि आपको जाना होगा और मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम जो दो अक्षर का इसकी साधना करने इसकी भक्ति करने से सेवन करने से आप शीघ्र उतने ही चारज हो जाओगे जितने यहां से गए थे और उस भक्ति के बल से तुम वापस आ सकते हो वैसे नहीं आ सकते और फिर सार नाम दूंगा जिसको आदि नाम भी कहते हैं और फिर ये तीन मंत्र के जाप का आप अभ्यास करना इसको सूरत और शब्द अभ्यास बोलते हैं कि जिस नाम का जाप सत नाम का जाप आपको दिया उस पर ध्यान रखकर सुमण करते समय ये आपका सुरत शब्द योग है सुरत शब्द अभ्यास है ये कान बंद करके ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे शाम की तरफ एकांत स्थान पर बैठकर कर ये हठ योग करना ये शब्द अभ्यास नहीं ये ते अभ्यास है ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है कर्म फोड़ दिए नकली गुरुओं ने नकली साधना गलत साधना बताकर तब नानक साहेब जी से कहा था कि आप जाओ लेकिन इस सतनाम का अभी किसी को बताना नहीं और ये सतनाम जो इतना कीमती है मैं आपको दूंगा आप बनारस में आना काशी शहर में वहां मैं पहुंचा हुआ हूं मैं वहां प्रचार कर रहा हूं आप भी मेरा साथ देना और वहां आ जाना बनारस में आपको सतनाम दूंगा और गुरु के बिना मोक्ष हो नहीं सकता जिन ब्राह्मणों से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो इन पांडों से इनके पास वो ज्ञान है नहीं जो आपको दिखा दिया ये सचखंड है सतलोक है ये देखो तुम्हारे भाई बहन किस प्रकार सुखी हैं, या कैसे घूम रहे हैं, कैसे ठाट है सभी वहां की आत्माएं आकर के नानक साहब के चारों तरफ खड़े होगी कि तेरे भाग जाग गए आपके भाग जग गए और आपको भगवान ले आए यहाँ पर अब भूलना मत मालिक को याद रखना सभी आपस में बातें कर रहे हैं तब क्या हुआ तीसरे दिन यानी परमात्मा ने सारी सतीथि से उनको परिचित कराया ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए काल का लोक दिखाया वहाँ के धर्मराज का स्थान दिखाया वहाँ न्याय करता है ये बैठ कर और फिर नीचे छोड़ दिया तीसरे दिन नानक साहब जी आ गए थे वहाँ के जनता ने उनको मरा जान लिया था और वो सामने जब देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था उस पहले वो नौकरी करते थे सुल्तान पुर के अंदर एक नवाब की उसी दिन से नौकरी त्याग दी और परमात्मा से सतनाम प्राप्ति के लिए और प्रथम उदासी उदासी मीन संसार से विमुख होकर संसार से उदास होकर के प्रथम यात्रा की थी बनारस की तो रस्ते में इस ज्ञान से वो पूछने लगे जिस भी साधु संत को मिलता है एक स्वाभाविक है ये मालिक का दिया हुआ गुण अपने आप उत्पन्न हो जाता है जिस प्राणी को ये ज्ञान परमात्मा का हो जाता है वो प्रत्येक को समझाने की चेष्टा करता है और जो संत होते हैं, उनसे अवश्य जाकर मिलता है उनका झाड़ा लेने के लिए के पूछते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है इन कख का भी नहीं पता ये कहते हैं तो अजरो अमर है सर्वेश्वर है महेश्वर है तो ऐसे करते कराते वो सबसे मिलते मिलाते वहां पहुंच गए बनारस में और परमात्मा ने संकेत कर दिया था कि वहां मैं रह रहा हूँ और मैंने भी गुरु बना रखा है गुरु बिन बात नहीं बनेगी मेरे गुरु जी रामानंद और वहां मैं दाणक का काम करता हूँ जुलाई का अब नानक साहब जी क्योंकि हम तो भगवान के सामने बालक ही हैं अब उनके ये बात गले नहीं उतरी नानक साहब जी के कि भगवान दानक का काम करता होगा लेकिन अविश्वास भी बच्चे को अपने माता पिता की बातों पर नहीं होता अब उन्होंने सोचा भी चलो बनारस तो चलना पड़ेगा सतनाम भी लेना है सतनाम सत बिन मोक्ष नहीं। तो वहीं से कहने लगे थे वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु अब आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने कहा कि झांकी वेख कबीर की नानक की तीवाह और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटा हुआ अब जैसे नानक साहिब जी ने कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाह गुरु जैसे एक धन्यवाद क्रिया करते ना किसी की सराहना करते हुए ये वह शब्द ऐसा समझो और सतनाम श्री वाहे गुरु यानी सतनाम मिलेगा और सतनाम जिसने दिया फिर उसके उसके ऊपर फिजा हो गए ऐसा अनमोल धन मिल गया लेकिन उनको ना कर दिया था कि सतनाम किसी को बताइयो मत दे दूंगा तुम्हें तुम्हारे लिए तो तु दूंगा तुम अपना कल्याण करवा लेना तो बनारस में जब पहुंचे रामानंद जी से गोष्ठी की ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है अब नानक साहब जी को पता था कि जो इसका उत्तर देगा वो उस संत परमात्मा से मिल चुका है तो रामानंद जी ने बताया कि जो प्रश्न आप कर रहे हो इसका उत्तर तो परमात्मा ही दे सकता है बाकी उनकी कृपा से मुझे भी पता है वो परमात्मा यहाँ आए हुए हैं और यहाँ दुल्हा का कार्य कर रहे हैं और उन वो मुझे सचखंड लेकर गए थे रामानंद जी बताते हैं तो नानक साहब जी ने कहा कि मुझे भी वो सचखंड लेकर गए क्या वो यहीं रहते हैं या कहा यहीं रहते हैं रामानंद जी ने कहा तो नानक साहब जी ने कहा कि मुझे एक बार उनसे मिलवा दो आदनी रामानंद जी जो कबीर साहब के वैसे तो एक व्यवहारिक रूप से तो वो गुरु जी थे लेकिन वो आत्मा से उनको परमात्मा मानते थे कहा कि एक सेवक को भेज दिया नानक साहब के साथ के जाओ ले जाओ महात्मा को भक्त को और मिला दो परमात्मा से परमात्मा क्या कर रहे थे जैसे एक खड्डी बोलते थे उसको जैसे दो तीन जहां बैठकर वो कपड़ा बुनते थे उस करघा में वहां बैठे अपना कपड़ा बुने पता था कि आ रहे हैं मेरा लाल और लीला कर रहे थे अब उन्होंने देखा कि आदमी वो दिख है जो तो सचखंड लेकर गया था और ये यहाँ ये कैसे कैसी उसमें बैठा है लेकिन जब निकट पहुंचे तो जो की तो वही सूरत जो सतलोक में देखी थी वो मोहनी सूरत हाई सूरत मुलुक की वेश पर नानक साहब ने कहा था कि भाई सूरत मलक की वेस ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सयाना बहुता बार लोगों देखो धारण रूप रहा करता रे रह। ये बैठा भगवान ये बैठा भगवान नहीं ये अपने आप को छुपाए बैठा है ये ठगवाड़ा ठगे रहा है सबको ये प्रकट ये पता नहीं लगने देता मैं भगवान हूं आंखों में आंसू चल पड़े लेकिन वहां के जुला इकट्ठे हो गए एक पंजाब का बगता रहा है और इस नीरू के पुत्र को भगवान बता रहा है यह मेंटल हो गया यो पता नहीं क्या जादू करता है नीरू का पुत्र कबीर जो इसके पास आते हैं इसी के गुण गाने लग जाते हैं तो परमात्मा ने कहा था कि लो अब मैं आपको सतनाम देता हूं लेकिन इसको अभी कहीं डिस्कलोज ना करना ये रैम करना मेरे पे नहीं तो ये काल के दूत इस सतनाम से परिचित हो जाएंगे और ये भी सतनाम दिया करेंगे ये अधिकारी होंगे नहीं और जनता भ्रम पड़ी रहेगी कि वही सतनाम ये दे रहे हैं वही सतनाम जो हम दिशदास को भेजेंगे कलियुग की बिचली पीढ़ी में वो भी वही नाम देगा तो भिन्नता का पता नहीं लगेगा और मेरे बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाएंगे तो परमात्मा भी तो कच्चे नहीं है क्योंकि वो वेदों में लिखा उन्हीं को ये धन सौंपते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं नानक साहेब जी ने कह दिया था कि भगवान जो आपका आदेश होगा उसी को सतनाम दूंगा नहीं तो इसकी कहीं अवाबी नहीं लगने दूंगा तो पुणात्मा उन महापुरुषों के इतिहास देख लो नानक साहिब जी ने कितना बड़ा सिख समाज है किसी को भी सतनाम नहीं दिया मर्दाना और बाला उनके साथ रहा करते थे दो पुण्यात्माएं उनको भी ये नाम उनने प्रदान नहीं किया क्योंकि पता था ये बालक हैं कहीं डिस्क्लोज कर देंगे और बात बिगड़ जाएगी परमात्मा की आज्ञा की अवहिलना हो जाएगी और काल का दाव लग जाएगा एक समय की कहानी आपको पता है जैसे समुद्र इसमें जन्म साखी के अंदर नानक साहब जी की पवित्र जन्म साखी में मर्दाना और बाला के का जो आंखों देखी हाल लिखे हुए हैं एक समय मर्दाना और बाला ने प्रार्थना की कि भगवान हे गुरुदेव हमें श्रीलंका की सैर करा दो नानक साहब जी ने कहा कि आंखें बंद करो आंखें बंद करी समुंदर के किनारे खड़े थे नानक जी ने कहा कि बच्चों मेरे साथ आ जाना है समुद्र के ऊपर लेकिन तुम वाहे गुरु वाहे गुरु करते रहो नानक साहब जी चल पड़े सतनाम का जाप करते हुए दो अखर के सतनाम का पीछे पीछे मर्दाना और बाला भी जा रहे हैं वाहे गुरु करते हुए समुद्र पर ऐसे चल रहे हैं जल पर जैसे थल पर चला करते हैं अब मर्दाना ने सोचा कि गुरु जी तो सतनाम के दो अक्षर का जाप कर रहे हैं तो वो भी उनकी सुन लीला थी मालिक की नहीं तो ये बोल के सिमन करने का नहीं है ये मंत्र जान बुझ कर बोला उन्होंने उन्होंने बोला मर्दाना ने नकल कर ली वो भी बोलने लग गया तब वो डूबन लग गया समुद्र में नानक साहब जी ने कहा कि मर्दाना गुरु की नकल नहीं करा करते आज्ञा का पालन करो और पुनः तुम वही बोलो ये छोड़ दो ये मंत्र मत बोलो अब वो फिर वो लगा है गुरु जपने तो फिर ऐसे चल पड़ा समुद्र के ऊपर स्थल की तरह अपने आत्माओं ये कोई वाह्य गुरु कहने से समुद्र के ऊपर नहीं तिरा वो तो आधे शक्ति थी नानक साहब के वचन की उससे चल रहे थे वो अब जैसे पुणात्माओं या लीला देखो परम पिता परमात्मा की ये कैसे काल के साथ आंख में चौनी खेल करी सतनाम को सुरक्षित रखवा गए अब नानक साहब जी ने फिर अपनी वाणी में भी इस सतनाम का बहुत बार वर्णन किया लिखा एक प्राण संगली नाम ग्रंथ है जो नानक साहेब जी की विशेष ग्रंथ है जिसमें बहुत बड़ा भेद पूरा भेद प्राणों यानी श्वासों के द्वारा सिवरण सतनाम का होता है दो अक्षर के का उसमें बहुत डिटेल लिखी थी और उन उन्होंने एक राजा को दे दी थी एक शिवनाभ नाम का राजा था उसको सुरक्षित रख रखवा रख दी थी कि इसको रख देना सुरक्षित रखना किसी के हाथ ना पड़े इस अनमोल धन को केवल तू ही सुरक्षित रख सकता है ये मेरा मेरी बॉडी समझ लेना ये मेरा शरीर जान लेना अगर ये किसी को देना नहीं उनका उद्देश्य ये था कि धीरे इसको वहां तक सुरक्षित रखें जब युग कलियुग की बिचली पीढ़ी आवे फिर क्या हुआ कि पांचवे गुरु अर्जन देव जी हुए सिख परंपरा में उन्होंने जब ये वाणी का संग्रह करके एक इकट्ठा करके सब महापुरुषों की वाणी को एक कॉमन ग्रंथ बनाया कि महापुरुषों की वाणी सुरक्षित रहेगी सब पढ़ा करेंगे कलयुग में आने वाले समय में इनका काम आवेगी तो उस समय उस प्राण संगली को भी देखा लेकिन इन वाणियों को संग्रह करते समय एक विशेष ध्यान रखा गया कि कहीं इसके अंदर वो दो अखर का नाम गुरु ग्रंथ साहब में ना लिखा आ जाए और आने वाले समय में और सिख लोग इनको पढ़ेंगे और जाप करने लग जाएंगे तो कहीं मर्दाना की तरह ये हानि ना उठा लें भगवान की आज्ञा का गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जावे इस कौन से उन्होंने प्राण संगली से भी प्राण संगली को जब पढ़ा अर्जुन देव जी ने देखा उसमें तो तो बहुत सारे प्रमाण थे सतनाम के तो उन्होंने यही उचित समझा कि कहीं गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना ना हो जा। और इसमें तो स्पष्ट लिखा है विधि लिखी है और हमारे सिख समाज को हानि ना हो जा इसलिए उसने सारी की सारा ग्रंथ अच्छी तरह कपड़ों में पैक करके आदर के साथ बहुत अच्छी तरह पैक करके और दरिया में बहा दिया डाल दिया जल में आदर के साथ तो किसी एक एक और भगत कोई खड़ा था उसने प्रार्थना की भगवान ये अनमोल वचन है गुरुदेव के आपकी आज्ञा हो तो मैं रख लूंगा मैं किसी को नहीं दूंगा मैं इनको पढ़कर अपना आनंद मनाऊंगा तो उन्होंने उसकी प्रार्थना पर मालिक की दया होती है नहीं तो बिल्कुल नहीं निकालने देते चल ले जा तो इसको सुरक्षित रखना किसी का और को ना बताना अब वो फिर जैसे थी वो उनमें 160 अध्याय बताए कहीं पर 113 भी लिखे तो केवल 80 अध्यायों को लेकर के प्राण संगली हमारे पास उपलब्ध है फिर भी तीस चालीस पचास अध्याय शेष थे वो नहीं प्रकाश में आए कारण क्या था कि उनमें सतनाम के दो अखर का विशेष भेद है तो यहां कहने का दास का यह है कि नानक साहब जी ने वो किस लिए कहा था क्यों छुपा के रखा इसलिए मना किया था कि आने वाले समय में कोई इस नाम का जाप ना कर ले और जाप करेगा तो फिर अन्य को भी पता लगेगा तो काल के दूत भी जैसे राधा स्वामी पंथ सच्चा सौदा पंथ और ये निरंकारी पंथ ये सारे सिख समाज से ही निकले हैं और इनके पास ये मंत्र है नहीं और अगर ये सार्वजनिक होता और उसमें ये ऐसा झटका मालिक नहीं देकर जाते मर्दाना को तो ये सब इसको कति शरेआम नाम जाप करते अब इन नकली संतों को ये पता नहीं चला कि ये मंत्र भी होगा जाप का पर स्वयं ये नहीं पता उनकी आंखें कहा चली गई थी ज्ञान वाली नानक साहब जी स्वयं जाप कर रहे हैं उसका औरों को मना कर रहे हैं क्यों इसलिए कि भगवान का आदेश नहीं था अब कारण क्या था कि जैसे अब ये भी नहीं कह सकते भी नानक साहब जी ने हमारे साथ ये क्या किया हमें ये नाम क्यों नहीं दिया इसलिए नहीं दिया कि उनको ग्लूकोज लगा के थे वह ग्लूकोज जैसे जब तक सर्जन नहीं आता वह कहीं बाहर गया हुआ हो और कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो वो टेलीफोन पर उनके दूसरे व्यक्ति संपर्क करते हैं जी ऐसे ऐसे मरीज है तो वो बताता है इसके ग्लूकोज लगा दो एक आधा इंजेक्शन लगा दो और मैं आकर संभाल लूँगा ग्लूकोज लगाने से ट्रीटमेंट तो नहीं होता लेकिन शरीर सुरक्षित रह जाता है तो उन महापुरुषों ने हमें ग्लूकोज लगा दी किसी को तो बता दिया कि गीता जी का पाठ करो किसी को बता दिया दुसवंतों की वाणी का पाठ करो भंडारे करो धर्म करो ये ग्लूकोज लगाए रखे थे और इनसे क्या होता रहा मनुष्य जीवन कंटिन्यूस आता रहा लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता था इस प्रोसेस से अब मोक्ष के लिए तो ये मंत्र है अब वो ग्लूकोज भी लाना पड़ेगा क्योंकि हम दीर्घ रोगी है ये धर्म यज्ञ भी करनी है और साथ में ये कैप्सूल जो एंटीबायोटिक है ये सतनाम के दो अक्षर आदि नाम का वो अक्षर यानी ये तीन मंत्र का जाप आपको प्राप्त होगा तो आपका जरा और मरण का ये रोग समाप्त होगा अब जो प्रसंग चल रहा है परमात्मा ने स्वयं आकर के लीला की और हमें बताया कि आप यहाँ जिस लोक में रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है तो आदन्य गरीबदास साहिब जी ने कहा था हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया वो का सीमा है कबीर हुआ झाकी वे कबीर की नानक की तीवा वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटा हुए था कि सतलोक सत का नजारा देखा सतकबीर का सत परमेश्वर का सतपुरुष का सतलोक में तो उसको देख कर जैसे ने कहते ना वाह भाओ ओह वाह 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 तेरे की कितना अच्छा है अब कहते हैं वह सिखा के गढ़ कौन छुटावे था एक भक्त है हमारा वहा रेलवे रोड पर उसकी दुकान थी छोटी सी ये दास वहाँ बैठा था ये सन उन्नीस सौ चौरानवे की बात है तो वहाँ एक खैतीलाल अरोड़ा वृद्ध सा व्यक्ति आ गया भगत ने बिठा लिया कहा कि आजा जा बैठ जाओ अरोड़ा जी उसने फिर हमारा परिचय दिया कि हमारे गुरु जी हैं उसका भी परिचय दिया कि ये गुरुद्वारे के अंदर बहुत सेवा करी है इन्होंने तो फिर मैंने कहा कि आप जी कौन सा नाम जाप करते हो उस खरैती लाल अरोड़ा ने बताया कि मैंने 40 वर्ष तक गुरुद्वारे की सेवा की है और हम वाहे गुरु वाहे गुरु जाप करते हैं वाहे गुरु मैंने उनको दिखाया कि नानक साहब जी तो ये दूसरा नाम जाप करते थे ये करने का बताया है उन्होंने कहा नहीं ये तो साढ़े गुरु वाहन करना सी असी तो वाहे गुरु करना है मैंने उनसे कहा भले आदमी गुरु जी के पेट में दर्द हो जावे जिन टेबलेट से जिस औषधि से उनको आराम हुआ तो आप चेले ने विवाह खानी पड़ेगी उस रोग में तुम्हारा यू धोखा लग रहा है ये इस मुझे उसमें मालूम नहीं था कि ये कहानी ऐसे बनी हुई थी कि मर्दाना जी को उन्होंने इसलिए झटका दे दिया था कि आगे कोई इस आप ना कर ले तो वो क्या कहता है ये तो साढ़े गुरुआ ने करना सी असी नहीं करना सी तो अब पता चला जब ये जन्म साखी दास को ला कर दिए एक सिख बच्चे ने और उसने बताया जी आप जो कह रहे हो सब सत्य है नानक साहब जी ये दो अखरकार ये सतनाम जाप करते थे ये देखो अपुणात्मा आत्मा दास ने आपको इतना पारख बना दिया कि अपने अपने धर्म ग्रंथों को आप स्वयं ही पहचान लोगे जैसे एक समय दो सेठ थे दो भाई थे वो और छोटे भाई के दो पुत्र थे वो छोटे भाई की मृत्यु होगी अब उनके सामने बच्चे थे वो सत्रह अठारह सोलह सत्रह वर्ष के सामने समस्या आ गई कि बिजनेस कैसे करेंगे बालक उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपने ताऊ जी के साथ बिजनेस कर लो उसका हिस्सा कर लो पार्टनरशिप कर लो पैसे तो मेरे पास है नहीं बेटा ये तेरे पिताजी के समय के कुछ लाल रखे हैं इन लालों को अपने ताऊ जी को दे दो और ये कहीं इनको रख लेंगे गिरवी रख करके उधार ले लेंगे पैसा वो बच्चे अपने ताऊ जी के पास गए और कहा ताऊ जी हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं उसने कहा ठीक है बेटा मेरे साथ कर लो फिर उन बच्चों ने कहा कि मेरी माता कह रही है कि मेरे पास पैसे तो है नहीं मेरे पिता के समय के कुछ लाल हैं उनको आप रख लो नूह कहकर वो लाल सामने रख दिए ताऊ जी के तो उस सेठ ने देखा क्या बेटा ठीक है इनको बांध लो अच्छी तरह तेरी मम्मी को दे आओ और कहना उसको सुरक्षित रखे फिर समय आएगा तब तो ले लेंगे आवश्यकता पड़ी अभी तो मेरा उधार चलता है चलो मेरे साथ तुम्हारा हिस्सा कर लेता हूँ बच्चों ने सोचा ठीक है भाई लाल हमारे पास है पैसे की कमी है ही नहीं अब उन दोनों पुत्रों को दोनों बच्चों को भाई वालों को लेकर अपने उस शहर में गया जहां से वो सामान लाता था एक पचास हजार का सामान खरीद लिया लाला जी से सौदा कर दिया और उसको बोल दिया कि मैं बच्चों के हाथ अभी आपके पास लाल भेजता हूँ उनको गिरवी रख लेना वो सेठ अपने लाल लिए हुआ था अलग से और वहां धर्मशाला में रुके हुए थे उसी शहर में दोनों बच्चों से कहा बेटा जाओ उस सेठ को ये लाल दे आओ जिससे हमने पचास हजार के सौदे की बात की है था उजी। वो दोनों बच्चे वो लाल लेकर सेठ के पास गए और कहा सेठ जी लो ये लाल रख लो हम ये आपके पचास हजार रुपये दे जाएंगे अपना लाल वापस ले जाएंगे सेठ ने एक जोरी बुलाया पारख उससे कहा कि भी देखना ये लाल असली है या नकली अब उस जौहरी ने बताया कि ये तो लालड़ी है लाल नहीं है लाल तो होता नौ लाख रुपए का उसमें और लालडी को नहीं दो रुपए रुपये की भी यानी डुप्लीकेट लाल समझो सेठ ने फेंक कर मारी गली में और कहा कि तेरे ताऊ जी अब इतने धोखेबाज हो गए हमारे साथ धोखा करने आए थे मैं कभी मना किया उसको उधार भी वैसे भी ले जाता था लाल ये मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी क्या बेईमान आ गया तेरे ताऊ में ऐसा आदमी तो नहीं दिखा था अब बच्चे सेम गए घबरा गए और उस लाल को उठाकर ताऊ जी के पास आए आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें एट